हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये गाड़ी है हुंडई की आइटन ग्रैंड डीजल। इसमें कस्टमर की प्रॉब्लम एसी ऑन नहीं हो रहा, तो उसको डायग्नोस करेंगे कि एसी क्यों नहीं ऑन हो रहा। तो सबसे पहले हम गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। गाड़ी को करेंगे स्टार्ट। ये देखो दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट है, आरपीएम 900 के करीब है। इधर से हम करेंगे इसका एसी ऑन। एसी ऑन हो गया और आरपीएम जो हमारे थोड़े बढ़ रहे हैं। देखो एसी बंद कर रहा हूँ तो आरपीएम डाउन होते हैं। एसी ऑन करता हूँ, आरपीएम अप होते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे हम का इसकी गैस। हमने मैनिफोल्ड गेज लगा लिए, ये लो साइड है और ये हाई साइड है। ये गाड़ी है आइटन ग्रैंड डीजल। इसमें गैस हमने चेक की है, गैस इसमें है और कंप्रेशर हमारा एंगेज नहीं हो रहा। ये देखो कंप्रेशर एंगेज नहीं हो रहा। इसको डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम इसका लगाएंगे, इसमें सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई आती है या नहीं आती। तो ये है कपलर, ध्यान से दोस्तों, ये कपलर होता है, ये कपलर उतार लिया और हम चेक करेंगे इसमें सप्लाई। इसमें दोस्तों आना होता है, सप्लाई आनी होती है, वोल्टेज आनी होती है इसमें। तो उधर से हमारा एसी ऑन है, वहाँ पे हमने ग्राउंड दिया इसको, वहाँ से हमने ग्राउंड दिया इसको, ग्राउंड लगा। इसका मतलब हमारी सप्लाई है जो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है जो हमारे कंडेंसर की, कंप्रेशर की मैग्नेट कॉइल में है दोस्तों। वो खोल के आगे की फिटिंग आपको दिखाते हैं, कैसे खोलना, क्या ख़राब हुआ उसमें। जहाँ पे होते 10 नंबर के 3 बॉलेट, ये शील्ड खोल दी जाती है, शील्ड खोली जाएगी फिर हम कंप्रेशर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ से लॉक प्लस से इसको कर लेंगे लॉक। दूसरे हाथ से हम ये 8 नंबर का बोल्ट खोलेंगे। मैं वीडियो पॉज करके इसको खोल लूँ, ढीला कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दूसरे हाथ से खोलना पड़ेगा। ये 8 नंबर का बोल्ट है, ये हमने खोल लिया, ये 8 नंबर का बोल्ट है, ये हमने खोल लिया। और ये वाला हमारा जो क्लच की साइड वाली प्लेट है, ये बाहर निकल जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, इसके अंदर वाशल होती है, जितनी वाशल हो उतनी ही हमने लगानी होती है। ये बेल्ट उतारने से पहले हमने ये बोल्ट खोल लेना है, नहीं तो दिक्कत हो जाती थोड़ी। अब ये लॉक है, ये लॉक निकाल के बेल्ट उतार के ये बैरिंग हमारा बाहर आ जाएगा, बैरिंग वाली जो पुली है ये बाहर आ जाएगी। आगे की फिटिंग खोल के मैं आगे की वीडियो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये लॉक हमारा निकल चुका है, लॉक हमारा निकल चुका है और ये प्ले है, पुली है जो ऐसे बाहर आ जाएगी। ऐसे हल्की चोट मारेंगे, हथौड़ी की मदद से बाहर आ जाएगी पुली। ये देखो इसको निकाल के आगे की फिटिंग दिखाते हैं।
ये पुली है हमारी, ये बाहर निकल आई है, ये इसमें होता है बैरिंग जो, और इसके बाद ये अंदर एक लॉक है, वो लॉक निकाल के और वो वायर है कपलर ये वाली उतार के, वो वायर उतार के ये यहाँ पे लॉक है ये वाला, ये निकाल के मैग्नेट कॉइल हमारी बाहर आ जाएगी। ये लॉक है जो हमारा, ये हमने निकाल लिया लॉक प्लास्टिक की वजह से, ये आ गया बाहर लॉक। ठीक है दोस्तों, और ये मैग्नेट कॉइल हमारी आ जाएगी बाहर, वहाँ पे लगा हुआ है एक स्क्रू, इसको मैंने प्लास्टिक की मदद से ढीला कर लिया, ये खोल लेंगे। दोस्तों ये हमारी जो मैग्नेट कॉइल है मैंने निकाली है, वो हीट होके उसकी वायरिंग है जो वो शॉर्ट हो गई है, यहाँ से देख रहे हो ये जो वाइंडिंग है कॉपर की वो बाहर आ गई है, इधर से प्लेन है ये मैं ले आया, नहीं ये पूरी प्लेन है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने खोला है वैसे ही रिवर्स में हमने फिट करते जाना है, जो पहले खुला बाद में फिट होगा, जो बाद में खुला पहले फिट होगा। ओके दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। दोस्तों गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हमने पूरी फिटिंग कर दी है जैसे खोला था, और देखो कंप्रेशर हमारा एंगेज हो गया है, एसी ऑफ करी, दोस्तों फिटिंग पूरी हो चुकी है हमारी, ये देखो एसी ऑन कर, कंप्रेशर है जो हमारा एंगेज होना चाह रहा, एसी ऑन कर, कंप्रेशर हमारा चालू हो गया है और कूलिंग अभी आने लगी है, ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है अब, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा काम सक्सेस हुआ, यही डायग्नोस प्रोसेस था। ओके दोस्तों, ये गाड़ी थी i10 ग्रैंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चल चल टका के मार करके।